गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एनबीके गेमर्स एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ गाइस। सो बगैर कोई टाइम वेस्ट करे लगाता हूँ इंट्रो। हे गाइस, ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि भाई ट्रेनिंग शुरू करने का अनाउंसमेंट इससे पहले वाली वीडियो में दे चुका हूँ, और आप लोगों ने किसी ने भी उस पर नोट नहीं किया है, इसलिए मैं आप लोगों पर बहुत गुस्सा हूँ। मगर आपको चैनल में पार्टिसिपेट करना हो तो मुझे क्वेश्चन पूछे और मैं आपको जवाब दूँगा एक अलग वीडियो में, जब मेरे 50 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। मैं 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हूँ गाइस। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट करो, मुझे सपोर्ट करो गाइस। सो गाइस, आपने तो टॉपिक थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो इस वीडियो का मेन टॉपिक है डायमंड्स जल्द से जल्द कैसे ढूंढा जाए। मेरा वर्जन है 14.20। सो गाइस, मुझे पता है 20 है। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ऑसम होने वाली है, तो थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। A few inches later. बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद अब ये माइनक्राफ्ट वर्ल्ड मेरा लोड हो रहा है भाई लोग। सो गाइस, मुझे मत समझना मैंने वीडियो कट की है, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो ऐसे ही नहीं देखते हो। लंबी करूँगा तो फिर भी नहीं देखोगे। ये वर्ल्ड नया स्पॉन हुआ है। मेरा चेस्ट कहाँ पे है यार? चेस्ट तो इधर कहीं पे स्पॉन होना चाहिए ना। छोड़ो, मैं वुड ही कट कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो गाइस, मैं एक सारा ट्री झाड़ को ही कट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह मेरी नाकाम कोशिश, और मैंने 4 से 5 ब्लॉक तो कलेक्ट कर ही लिया हूँ। गाइस, मुझे टेक्सचर्स पैक्स मुझे चाहिए गाइस। थोड़े अच्छे वाले एमसीबी प्लेयर्स को तो मुझे प्लीज़ रिकमेंड करना। मैं ज़रूर आपका कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आउट तुम ज़रूर मिलेगा। तो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल बना रहा हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे ब्लैंक्स कलेक्ट कर रहा हूँ, उनसे स्टिक बना रहा हूँ। मैं रेसिपी ज़्यादा यूज़ करता हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द अपना काम कंप्लीट कर सकूँ। क्राफ्टिंग टेबल कहाँ पे लगाऊँ? मैं क्राफ्टिंग टेबल को लगाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ इक्विप करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे और थोड़े ब्लैंक्स चाहिए, और मैं यहाँ पे कुछ लीवर तलवार कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे क्राफ्टिंग टेबल लगाना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगाता हूँ, और सबसे पहले पिकैक्स बनाने की कोशिश करता हूँ। तो पिकैक्स बनाने का तरीका ये है कि आपको तलवार बनाने का तरीका ये है कि अरे भाई, मैं सब कुछ बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या सब कुछ मेंशन करते बैठूँ? आप वहाँ से रेसिपी पे देख लीजिए। ये मेरा ट्यूटोरियल नहीं है, ये जस्ट हाउ टू फाइंड डायमंड्स फास्ट का है। तो गाइस, मैं एक्स से झाड़ कट करता हूँ। 2 hours later. मैं तो अपना बेस तो यहीं पे बनाऊंगा रे बाबा। ओ भाई, मुझे तो नीचे ऐसा फील हो रहा है कि एक केव होगी, और डायमंड शावल से डट खोदने से बहुत भीड़ में खोदे जाता है भाई। ये प्रो टिप। अरे भाई, यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है भाई? कोई बत्ती गित्ती तो जला दो। ओ भाई, ये रात होने वाली है, तो मुझे अपना बेस बहुत बड़ा बनाना चाहिए। कैसा बनाऊँ भाई बेस? ये तो सिंपल वीडियो ही बना रहा हूँ, नॉर्मल से बना दूँ क्या बेस? क्राफ्टिंग टेबल यहीं पे लगा देता हूँ। उससे पहले ओ भाई, मेरा फ़ोन इतना लैग क्यों मार रहा है? तो ठीक है भाई, मैं ये खुदाई स्टार्ट कर रहा हूँ। ओ भाई, सिर्फ कॉबल स्टोन ही मिलेगा क्या? आयरन और नहीं मिलेगा क्या? छोड़ो भाई, अपना बेस यहीं पे एस्टैब्लिश करते ही। सॉरी गाइस, मुझे पता है ये पिछले वीक वीडियो नहीं आई, मेरे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आप लोग समझ तो सकते हो, अगर नहीं समझ सकते तो मेरा डिस्कशन टैब ज़रूर से ज़रूर देख लेना। मेरे चैनल में डिस्कशन टैब सेपरेट है। और गाइस मुझे इंस्टा, डिस्कॉर्ड, ट्विटर सब में फॉलो कर दो यार, इसमें भी सब्सक्राइब कर दो। 50 सब्सक्राइबर्स पे आपको Q&A फ्री। तो गाइस क्राफ्टिंग टेबल कहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे ठीक लग रहा है ना, कमेंट्स में बताना। वैसे भी मैं ये वर्ल्ड कौन सा रखने वाला। गाइस बहुत बंदों ने मुझे कहा था कि वो वीडियो नहीं चल रही है, वीडियो में माइनक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैंने इंस्टॉलिंग का प्रोसेस दिया था ना, तो वो मैं 50 सब्सक्राइब्स के बाद 1 या 2 वीक में पोस्ट कर दूंगा। अब मैं सर्वर्स में भी लॉगिन कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको लिंक पोस्ट करूँगा, लेकिन मुझे नहीं आता भाई लिंक कैसे पोस्ट करते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा पोस्ट करने के लिए। आप लोग मुझे बस सिखाते रहना गाइस, बहुत बात हो गई, अब काम करते हैं। अब मैं यहाँ पे टॉर्च बना सकता हूँ या नहीं? ओ भाई स्टिक से मैं पिकैक्स तो बना ही सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे रेसिपी पे क्यों नहीं दिखा रहा है भाई ये पिकैक्स बनाने का? चलो भाई हमारे स्ट्रिप माइनिंग शुरू करते हैं। गाइस आपको बोनस टिप्स भाई ट्रिप्स नहीं बोनस देने वाला हूँ इसमें कि आपकी पिकैक्स की लाइफ कैसे बढ़ाते हैं। हाँ गाइस मैं MCPE प्लेयर हूँ, यानी मोबाइल। मुझे PC गेम्स बहुत पसंद है, GTA 5 तो मेरा फेवरेट है, लेकिन अब आज तक मैंने खेला नहीं। तो गाइस स्ट्रिप माइनिंग के लिए इजी तरीका है स्टेप्स बनाने का। वैसे तो मैं प्रो हूँ नहीं, लेकिन गाइस अगर डायमंड्स आपको मिलते हैं तो उससे सामने आपको और जाना पड़ेगा ताकि आपको और ज़्यादा डायमंड्स मिले। लेकिन मुझे कितना मिलता है मैं उसमें खुश हूँ भाई, मजाक था, सीरियस मत लेना। गाइस रियल लाइफ में मैं इतना बात नहीं करता एक साथ, तो गाइस मुँह से कुछ इधर उधर हो जाए तो माफ़ कर देना। हाँ भाई आप लोग मीम्स बहुत देखते हो, मैंने सुना है मीम्स, मैं भी मीम्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। गाइस मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है ताकि क्राफ्टिंग टेबल में ले पाऊँ, आगे मैं बहुत ज़्यादा कट कर दूँगा। तो गाइस मैं यहाँ पे टॉर्च बनाने के लिए ऊपर प्लैंक और नीचे प्लैंक रख रहा हूँ। ओ भाई ये नहीं वर्क करेगा, ऊपर तो ब्लॉक ही करना पड़ेगा, तो उससे हमें मिलेगा चारकोल दोनों एक ही समान है, तो हम उससे 4 टॉर्च बनाएंगे और टॉर्चर्स भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे वुड ब्लॉक्स पेस्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता ये यहाँ से बाहर निकलूँ, तो मैं जो कुछ हो सकता है यही से करता हूँ। मैंने आयरन और मेल्टिंग के लिए डाल दिया है। टॉर्चर्स की ईजी रेसिपी है, ऊपर लकड़ी ऊपर चारकोल और नीचे लकड़ी, सिंपल। रात हो रही है तो मैं डिगिंग करने के लिए फिर से तैयार हो रहा हूँ। गाइस अगर आपको केव मिल गई ना तो डायमंड्स आपको 5 मिनट्स में मिल सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। केव्स आर बेस्ट सोर्स फॉर डायमंड्स गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं MCP हेल्प खेल चुका हूँ, उसमें मुझे फर्स्ट ही टाइम डायमंड्स मिल गए विदिन 15 मिनट्स, इसमें 30 मिनट्स के आस पास मिले हैं। लेकिन मैं कट करूँगा ताकि आप लोग आप जानते हो गाइस, आप तो वैसे ही पूरी वीडियो नहीं देखते, आप मुश्किल से 2 मिनट की मेरी वीडियो देखते हो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने आयरन के पिकैक्स बनाने की नाकाम कोशिश और मैंने बना ली। तो गाइस मैं फिर से स्किप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का कीमती टाइम वेस्ट ना हो, इसी बात पे सब्सक्राइब ठोको यारों। तो गाइस मैंने चेस बनाया था, वो भी मैंने कट कर दिया है। चेस में कुछ मामूली सामान पड़ा है। अरे भाई मैं प्रो नहीं हूँ, मैं तो एक बहुत बड़ा नूब हूँ, आप सब तो मेरे से आगे चल चुके हो। मुझे पता है आप लोग सब प्रो हो, मुझे तो पीवीपी भी नहीं आती भाई। पीवीपी छोड़ो, मुझे बिल्डिंग भी करेक्ट से नहीं आती भाई। तो आप लोग ही बताओ क्या करूं। तो आज का लेके रखते हैं 15 लाइक्स। आप लोग जल्द से जल्द कंप्लीट कर दो गाइस, मैं बहुत खुश होऊंगा। तो मेरी फिर से स्ट्रिप माइनिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो भी नाकाम वाली। मुझे तो सिर पकड़ा है गाइस। तो गाइस कंप्लीट 2000 साल के बाद मुझे यहाँ पे कोल मिल चुका है भाई लोग। यहाँ पे कॉबल स्टोन, ओ भाई पानी आ रहा है पानी। तो हम लोग इस पानी का कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे भाई। इसको बंद करते हैं भाई सबसे पहले। और इस पानी में हमेशा गाइस के उसमें पानी वगैरह हो तो उसके अंदर जरूर डुबकी लगाओ। डीपर होगा तो भी फिक्र मत करो, आपको डैमेज तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको ओर्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे गाइस। तो गाइस मैं ओर्स की तलाश में पानी को खोल रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ भाई। ये नल का पानी बन चुका है भाई। तो गाइस एट द काउंट ऑफ 3 मैं अंदर जाऊंगा। 1 2 3। अरे भाई ये डट बहुत काम दे रहा है भाई, इस डट को तोड़ के चलते हैं भाई। शावल कहाँ गया मेरा? ओ गाइस मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। जो ब्लू बबल्स फुट रहे ना वही है। अरे भाई मैं ये सब आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, आप सब तो मेरे से प्रो हो। फिर भी गाइस माय गॉड वाओ। चलो गाइस सब एट लास्ट अंदर ही जाते हैं। ओ भाई यहाँ पे ओर्स बहुत अच्छे हैं, मैंने अभी अभी देखा। आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो गाइस बहुत सारे ओर्स हैं। मैंने इससे पहले भी 2-3 ओर्स तो निकाल ही लिए थे, इससे पहले वाली डुबकी में। हाँ गाइस अंधेरा था तो इसके कारण आप लोग नहीं देख पाए, तो उसके लिए सॉरी गाइस। ओ गाइस मैंने गलती कैसे कर दी, आप लोगों को तो मैंने बताना ही भूल गया कि वाई कोऑर्डिनेट कितने पे जाने पे डायमेंड्स मिलते हैं। तुम ठीक तो? मेरी छाती फोड़ा रे। बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा खोपड़ी तोड़ा रे। ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत, कमेंट्स में भी कुछ मत डालो। मैं कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूँ गाइस। कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, 12 है गाइस। 1 2 का 4 4 2 का 1 देने में 12 गाइस। अब जमन देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत 2 वे होती है सर, मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। हो भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने, हम इनको। पहली बार एक अलग ज़ॉम्बी की आवाज आ रही है, मुझे कमेंट्स में बोलना गाइस ये ज़ॉम्बी की आवाज़ किसकी है। ओ गाइस ये कोई जादूगर जैसा दिख रहा है। ओ भाई किसी कोई पोशन दे दिया, मेरी हेल्थ जा रही है भाई इससे। मैंने तो खाना भी अंदर नहीं लाया था, क्या करूं भाई। पहले तो इसे बंद करता हूँ। ओ भाई ये कौन था ज़ॉम्बी, ज़रा बताना भाई, कमेंट्स में नाम ज़रूर बताना भाई। और इससे पॉइजन से कैसे बचते हैं भाई, 15 सेकेंड तक तो मैं मारा जाऊँगा भाई। मैं चेंज करने से मैं बच जाऊंगा क्या? मेरा फुटबार भी नहीं है भाई ये। वो भाई आधा हयात से जिंदा हूँ भाई, 1 सेकंड। वो भाई अभी अभी बचा भाई। मैं इजी से पीसफुल करने जा रहा हूँ गाइस, मुझे बहुत टेंशन दे दिया इस ज़ॉम्बी ने, जो कोई भी हो भाई। इसको इजी कैसे करते हैं, मैं YouTube पे वीडियो देख के आता हूँ गाइस, उस बाद मिलते हैं। A few inches later। तो गाइस मैं खुद ही एक यूट्यूबर हूँ और मुझे ही पता नहीं भाई, मैं YouTube में देख कर सीख रहा हूँ गाइस। सो मुझे प्रो बनाने के लिए ये लाइक करने की सस्ती ट्रिक बोल रहा हूँ, ये क्लिक कर दो गाइस। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और स्ट्रिप माइनिंग करते हैं। अब मैं वाई लेवल 29 पे हूँ। अगर आपको लेवल समझ में नहीं आते हैं तो आप पोजीशन ओशो कोऑर्डिनेट्स में जाके आप कर सकते हो, और पोजीशन में सेकेंड ऑप्शन कॉमा के बाद रहता है, वही है वाई कोऑर्डिनेट। तो गाइस अब मैंने जैसा ही कहा था पीस को फुल कर लूँगा, तो अब उसका करने का टाइम आ गया है गाइस। ये मैंने YouTube से देखकर सीखा है, गेमर YouTube से सीखते हैं गाइस। ये मजाक था, डोंट टेक इट सीरियसली। तो गाइस फिर से स्ट्रिप माइनिंग शुरू। भाई आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं डायमंड्स के बहुत करीब हूँ? अरे भाई टॉर्च लगा दो, बहुत अंधेरा हुआ है, ऑडियंस बहुत गुस्सा करेंगे। अरे मैं टॉर्च से तोड़ रहा हूँ क्या यार? ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं और नीचे जा रहा हूँ। आप मुझे नीचे आने के बाद मिलते हैं। A few moments later. तो गाइस कम से कम 10 मिनट के माइनिंग के बाद मुझे रेडस्टोन मिला है गाइस। जब कभी भी रेडस्टोन मिले ना, उसके आसपास पूरा छाल मार दो। डायमंड्स बहुत पास हैं गाइस, सो बी हैप्पी बी कूल। गाइस मैं कोशिश कर रहा था कि मेरी वॉइस में नॉइस कैंसिलेशन हो, इसलिए ये वीडियो और भी लेट हो गई। अब फ्राइडे 11/6/2020 का 6:28 बजे हैं। मैं अभी भी वीडियो एडिटिंग ही कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हो, घर में प्रॉब्लम्स भी हैं। तो गाइस प्लीज़ समझें मेरी फीलिंग्स। तो अब छान माना शुरू करते हैं गाइस। अगर आपको आपकी इन्वेंट्री फुल हो जा रही है स्टोन्स कलेक्ट करते करते, तो आप एक जगह खड़े और वहाँ से कितनी दूर माइन कर सकते हैं करें, लेकिन आगे मत बढ़ें। अगर आपको कुछ गोल्ड वगैरह मिले तो ही माइन करके जाएं, ऐसे आपकी इन्वेंट्री बहुत बचती है गाइस। ये है प्रो टिप। प्रो टिप पे मैं कौन होता हूँ गाइस आपको देने वाला, क्योंकि मैं ही नूब हूँ, मैं गरीब हूँ गाइस। सिर्फ गोल्ड और हैं, वो भी 10-15 मिले थे। टाइम लैप्स में मैंने उसके ऊपर भी रख के आ गया हूँ, मुझे पता नहीं आप लोग देख सकते हो या नहीं गाइस। वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं है। सो फिर से एक टाइम लैप्स के बाद मिलते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद लैपिस लजुली मिला है। लैपिस लजुली के आसपास डायमंड तो रहते ही हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है डायमंड से। ओह गाइस, मुझे अपना पहला डायमंड मिल गया है। गाइस अगर आप के में हो तो 15 मिनट्स में डायमंड मैं गारंटी देता हूँ। मगर अगर आप स्ट्रिप माइनिंग कर रहे हो तो हाफ एन आवर से पहले कभी हो ही नहीं सकता। गाइस मुझे तो 40 मिनट्स लग गए हैं, लेकिन थंबनेल में तो हाफ एन आवर ही डालूंगा। गाइस फिक्र मत करिए। गाइस आखिरकार मुझे डायमंड्स मिल गए हैं और एडिटिंग उतनी भारी नहीं करूंगा, बस कुछ भी करके इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा। गाइस 40 मिनट इसके ही लग गए गाइस, और एडिटिंग को एक आवर लग जाएगा गाइस। सो एक्सपोर्ट सब बहुत है गाइस, लेकिन गाइस मेरा खुशी का ठिकाना नहीं टिक रहा। मैं देखना चाहता हूँ कितने डायमंड्स हैं। कभी भी गाइस डायमंड्स दिखे डायरेक्ट माइन मत करो, क्योंकि उसके नीचे लावा भी हो सकता है। तो गाइस कितने डायमंड्स हैं, नीचे भी हैं क्या? नहीं गाइस बस इतने ही दिख रहे हैं। ऊपर एक्सेट्रा माइन करके देखता हूँ, अगर ये को थोड़े और मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा गाइस। गाइस सपोर्ट करिए गाइस। सॉरी गाइस, मैं डियो सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट नहीं कर सकता, इसके बदले सोलो सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करूँगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नई वीडियो आपके लिए इंतज़ार कर रही होगी, कॉमेडी से भरी हुई। बताया गाइस ये वीडियो कॉमेडी होने वाली नहीं है, क्योंकि एडिटिंग मैं आधे ओवर में कंप्लीट कर दूंगा और एक्सपोर्टिंग आधे ओवर में। तो एक ओवर के अंदर मुझे एडिटिंग करनी है और मुझे बहुत काम है, मुझे पढ़ना भी है गाइस, क्योंकि हर मंडे मुझे टेस्ट रहता है। मैं PCMB वाला स्टूडेंट हूँ गाइस। तो गाइस मैं काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं अभी तोड़ फोड़ करना शुरू करता हूँ। मुझे अंदाजन लग रहा है कि यहाँ पे डायमंड्स 10 के ऊपर ही हैं गाइस। 10 तो क्रॉस हो ही चुके हैं गाइस। मैं यहाँ पे उजाला कर देता हूँ ताकि आप लोग देख पाओ अच्छी तरह से। लैपिस लजोली और रेडस्टोन ब्लॉक के आस पास पूरा छान मारो गाइस, आपको मिल ही जाएंगे डायमंड्स। अगर आपको डायमंड्स जिस पोजीशन पे मिले हैं आप उसी पोजीशन में और सामने खुदाई करो गाइस, तो आपको और डायमंड्स मिल जाएंगे। मैं अब खुदाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 40 मिनट से बस खुदाई कर रहा हूँ। मैं बहुत थक चुका हूँ गाइस, और मुझे वीडियो भी आज ही अपलोड करनी है, तो आप समझ सकते हो गाइस। तो गाइस खुदाई करने के बाद मिलते हैं। Guys, enjoy this video. Guys, सच कह रहा हूँ guys, बहुत थक चुका हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर ही दो guys। तो आपसे इसी बात पे विदाई लेता हूँ guys। प्लीज़ 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 चैनल को शेयर कीजिए guys, मेरे 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हूँ guys।